हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है। इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में और भी टॉपिक को कवर करेंगे। अभी आपको पाइथन का टॉपिक बता रहे हैं और पाइथन में सेट डेटा टाइप के बारे में बताएंगे कि सेट डेटा टाइप क्या होता है। ये वीडियो नंबर 33 है। इससे पहले टपल के बारे में बता चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं सेट के बारे में। आज आपको थ्योरी बताएंगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो आते हैं स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं सेट के बारे में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले सेट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। लेकिन उससे पहले डेटा टाइप के अंदर क्या क्या बताया है उसके बारे में क्लियर कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए हुए। सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या बताया न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर? रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और इंटीजर के अंदर इंटीजर नंबर और बुलियन वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में बता दिए। मैपिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। सेट डेटा टाइप अभी बता रहे हैं। सेट किस तरह का डेटा टाइप है? म्यूटेबल भी है, इम्यूटेबल भी है, लेकिन ज़्यादातर केस में इम्यूटेबल होता है। चलिए उसके बाद हो गया नन। नन डेटा टाइप नहीं बताए, छोटा सा चीज़ है, क्लियर कर देंगे। सीक्वेंस डेटा टाइप बता चुके हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर क्या नहीं बताए हैं? तो स्ट्रिंग नहीं बताए हैं और बाइट नहीं बताए हैं। बाकी बात आपका टपल हो गया या फिर बाइट एरे वगैरह हो गया, लिस्ट हो गया, ये सब चीज़ क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग बात करते हैं सेट में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। अभी जो टॉपिक बताने वाले, कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले हाउ टू क्रिएट सेट, सेट को कैसे क्रिएट करें इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हाउ टू एक्सेस सेट, सेट को कैसे एक्सेस करें इसको क्लियर करेंगे। हाउ टू मॉडिफाई सेट, सेट को मॉडिफाई कैसे करें इसको क्लियर करेंगे। सेट को मॉडिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। एक बात याद रखना है, ओरिजिन सेट जो होता है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब वो इम्यूटेबल होता है। और जो रेगुलर सेट हम लोग यूज करते हैं सेट डेटा टाइप, उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ऐड और रिमूव फंक्शन का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेट डुप्लीकेट आइटम, क्या डुप्लीकेट आइटम को अलाउ करता है सेट डेटा टाइप? नहीं करता है, वो भी बताएंगे। सेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसके बारे में भी क्लियर करेंगे। और सेट प्री डिफाइंड फंक्शन, सेट से रिलेटेड कुछ फंक्शन है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फ्रोजन सेट इन डेटा टाइप, फ्रोजन सेट क्या होता है डेटा टाइप में, मतलब सेट डेटा टाइप के अंदर, उसके बारे में क्लियर करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेट डेटा टाइप के डिफिनेशन वगैरह को या फिर उससे रिलेटेड टॉपिक को जानते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं। सेट में क्या मेंशन किया हुआ है? सेट इज अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स्ड, अनमोडिफाइबल कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट दैट यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब सेट क्या है? सेट एक तरह का अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स्ड और अनमोडिफाइबल कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट है जिसको सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो मोर देन वन वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यू होगा। ठीक है, तो सेट करता क्या है? मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है और उस मल्टीपल वैल्यू को हम लोग सिंगल वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। समझ में आ गया सेट क्या करता है? अब जब वैल्यू को स्टोर करता है तो किस किस फॉर्मेट में स्टोर करेगा, क्या क्या फीचर्स होगा उसमें, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, जैसे लिस्ट और टपल में हम लोग वैल्यू स्टोर करवाते हैं, वैसे ही सेट में भी स्टोर करवाएंगे, सिंपल सा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सेट जो होता है वैल्यू को अनऑर्डर फॉर्मेट में स्टोर करता है, मतलब हर एक एलिमेंट का खुद का प्लेस नहीं होगा, खुद का इंडेक्स वैल्यू नहीं होगा। मतलब लिस्ट और टपल में हर एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू होता था, इंडेक्स नंबर होता था। जैसे 0 नंबर पे फर्स्ट वैल्यू होता था, 1 नंबर पे सेकंड वैल्यू होता था, 2 नंबर पे थर्ड वैल्यू होता था। मतलब हर एक आइटम, हर एक एलिमेंट का खुद का इंडेक्स नंबर होता था। लेकिन सेट में ऐसा नहीं है, सेट इंडेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। सेट आर डू नॉट डिपेंड अपॉन इंडेक्स नंबर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल सेट इज अनइंडेक्स्ड। सेट जो होता है अनइंडेक्स्ड होता है, क्लियर हो गया? चलिए, इसी के कारण क्या होता है, जब भी आउटपुट में आप देखिएगा सेट का जो आइटम का आउटपुट होगा उसका प्लेस चेंज हो जाएगा। जो 0 नंबर पे आइटम होगा किसी और प्लेस के ऊपर दिखेगा, ठीक है, जो कोई और प्लेस का आइटम होगा वो आपको 0 नंबर पे दिखेगा, ऐसे चेंज होते रहता है। तो सेट के आइटम, सेट में जो आइटम होता है वो कभी फिक्स नहीं होता है। अनमोडिफाइबल का मतलब क्या हुआ? अनमोडिफाइबल का मतलब हुआ एक बार अगर आप सेट को क्रिएट कर दिए हैं तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एक ऑप्शन और होता है, ऐड कर सकते हैं, किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते। बताएंगे कब हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, आगे बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अभी क्या बताएं, सेट एक तरह का कलेक्शन ऑफ आइटम है जो अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स और अनमोडिफाइबल होता है।
और उसको हम लोग कहाँ पे असाइन करते हैं, किसी भी सिंगल वेरिएबल में असाइन करते हैं जब मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाना होगा तब। नेक्स्ट लाइन क्या है, सेट आर डिफाइंड और क्रिएटेड यूजिंग सेट कंस्ट्रक्टर और कर्ली ब्रेस। सेट कैसे क्रिएट किया जाता है, सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। सेट कंस्ट्रक्टर को हम लोग सेट फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसका यूज करके सेट को क्रिएट कर सकते हैं। मैथमेटिकल सिंबल होता है कर्ली ब्रैकेट, इसका भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन क्या है, वंस वेन वी क्रिएट सेट देन वी कैन नॉट चेंज देयर आइटम, दैट्स व्हाई वी कॉल सेट इज इम्यूटेबल, बट वी हैव अ ऑप्शन टू ऐड और रिमूव सेट आइटम यूजिंग बुल्ट इन फंक्शन। देखिए एक बार अगर हम लोग सेट को क्रिएट कर लिए तो उसमें फिर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वेन वी क्रिएट सेट देन वी कैन नॉट चेंज, एक बार क्रिएट हो गया तो उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वी हैव अ वन ऑप्शन, हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है क्या, कि उसमें वैल्यू को ऐड कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। मतलब वैल्यू ऐड होगा रिमूव होगा तो उसमें चेंजेस आएगा, है ना। तो कब चेंजेस नहीं आएगा वो भी बताएंगे। फॉर जेन सेट का यूज करते हैं उस समय चेंजेस नहीं आता है, वो हम आगे क्लियर कर देंगे, है ना। अब यही प्रॉपर्टी इसमें होता है कि सेट में चेंजेस नहीं कर सकते, इसके लिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सेट आर इम्यूटेबल, सेट चेंज नहीं किया जा सकता है। वंस वी कैन क्रिएट सेट देन वी कैन नॉट चेंज इट। चलिए अब नेक्स्ट लाइन क्या है, आइटम और एलिमेंट ऑफ सेट आर नॉट इन डिफाइंड ऑर्डर, मीन्स दे अपेयर इन डिफरेंट ऑर्डर एवरी टाइम वेन वी रन प्रोग्राम। मतलब जो भी आइटम या एलिमेंट होगा सेट का डिफाइंड ऑर्डर में नहीं होगा, मतलब सीक्वेंस मैनर में नहीं होगा, ये तो हम बता ही दिए हैं। जब भी आप प्रोग्राम को रन करवाएगा तो हमेशा अपना प्लेस चेंज करते रहेगा, क्यों, क्योंकि अनइंडेक्स्ड होता है, उसका इंडेक्स वैल्यू फिक्स नहीं होता है, किसी भी एलिमेंट का अपना कोई प्लेस फिक्स नहीं होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन क्या है, थ्री मेथड टू क्रिएट सेट यूजिंग सिंबल सेट कंस्ट्रक्टर एंड फॉरजिन सेट। मतलब टोटल तीन तरीका है जिससे आप सेट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले सिंबल का यूज करके, मतलब कर्ली ब्रैकेट का यूज करके, उसके बाद सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, मतलब अभी बताएं सेट प्री डिफाइंड फंक्शन, इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद है फॉरजिन सेट, एक और मेथड आता है फॉरजिन सेट, इसका भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब फॉरजिन सेट का यूज करके सेट को क्रिएट करेंगे तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हम बताएं ना वीडियो के स्टार्टिंग में सेट क्या होता है, म्यूटेबल भी होता है और इम्यूटेबल भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में, ज्यादातर केस में सेट को हम लोग इम्यूटेबल ही बोलते हैं। अभी बताते हैं कैसे। इन द केस ऑफ फॉरजेन सेट के केस में वी नेवर एड और रिमूव आइटम, मीन्स इफ सेट इज फॉरजेन सेट इट इज इम्यूटेबल, अदरवाइज सेट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें चेंजेस लाया जा सके, वैसा डेटा टाइप जिसमें चेंजेस किया जा सके। इम्यूटेबल का मतलब होता है वैसा डेटा टाइप जिसमें चेंजेस नहीं किया जा सके, द डेटा टाइप डेट कैन नॉट बी चेंज कॉल्ड इम्यूटेबल, एंड द डेटा टाइप डेट कैन बी चेंज इज कॉल्ड म्यूटेबल। अब यहाँ पे कब म्यूटेबल और कब इम्यूटेबल होगा सेट, उसके बारे में बताते हैं। जब भी अगर आप सेट क्रिएट करेंगे तो वो सेट हमेशा म्यूटेबल होगा, मतलब उसमें किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। लेकिन सेट इम्यूटेबल कब होगा, सेट आपका इम्यूटेबल होगा जब आप फॉरजेन सेट क्रिएट करेंगे फॉरजेन सेट फंक्शन का यूज करके। तब जब भी आप फॉरजेन सेट फंक्शन का यूज करके सेट को क्रिएट किए हैं, इसका मतलब वो सेट क्या हो गया, इम्यूटेबल हो गया, मतलब उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। वी नेवर एड और रिमूव आइटम मीन्स इफ सेट इज फॉरजेन सेट। जब हम लोग किसी भी आइटम को रिमूव नहीं कर सकते या फिर न्यू आइटम को ऐड नहीं कर सकते सेट में, वो सेट फॉरजेन सेट है, इसका मतलब वो इम्यूटेबल सेट है। हो गया, इतना से तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, सेट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, इफ यू ट्राई टू ऐड डुप्लीकेट इट विल बी इग्नोर एंड सेट ऑलवेज रीड ट्रू वैल्यू एज वन एंड फॉल्स वैल्यू एज जीरो। मतलब सेट कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, ये एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए सेट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल ऑफ सेट में, यहाँ पे क्या है सेंटेक्स है, इस सेंटेक्स में डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि ये वन और यहाँ पे ये वन, ये डुप्लीकेट वैल्यू है, लेकिन आउटपुट में क्या आया, 1 2 3, मतलब डबल टाइम वन नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा, सेट डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। और क्या मेंशन किया हुआ है, इफ वी ट्राई टू ऐड डुप्लीकेट वैल्यू सेट इज इग्नोर इट। मतलब अगर आप ट्राई कीजिएगा कि डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड करने का तो सेट इग्नोर कर देगा, ठीक है। चलिए और क्या है, ट्रू वैल्यू रीड एज अ वन एंड फॉल्स वैल्यू रीड एज अ जीरो। ट्रू वैल्यू को हमेशा क्या रीड करेगा, वन, और फॉल्स वैल्यू को हमेशा जीरो रीड करेगा। अगर मान लीजिए ट्रू वैल्यू वन हो जाता है, ठीक है, फॉल्स वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वन डबल टाइम हो जाएगा और जीरो भी डबल टाइम हो जाएगा, इसके लिए आउटपुट में क्या आया, 1 0। क्लियर हो गया, चलिए आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा।
अब सेट अनऑर्डर्ड कैसे होगा ये भी बता देते हैं। ये देखिए 10, 20, 30, 40 और 50, यहाँ पे क्या आया 50, 30, 20, 10 और 40, मतलब ये ऑर्डर वाइज नहीं आया आउटपुट। आना चाहिए था कैसे, ऑर्डर वाइज, लेकिन नहीं आया क्योंकि जो आइटम है, जो वैल्यू है, वो कैची के अंदर स्टोर करवाया गया, सेट डेटा टाइप के अंदर स्टोर करवाया गया। इसके लिए यहाँ पे जो आपको सेट दिख रहा है ये एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज एम्प्टी सेट। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल और सेट। सेट, लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, और कुछ फंक्शन वगैरह को भी देख लेते हैं सेट से रिलेटेड, तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल एंड सेट। लिस्ट, टपल और सेट में क्या डिफरेंस है, इसी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इस तीनों में क्या सिमिलैरिटी है ये जान लीजिए। ये तीनों का तीनों डेटा टाइप है और मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, ये तो पता ही है आपको। एक कॉमन सा सिमिलैरिटी यही है। अब डिफरेंस क्या है, इस तीनों में डिफरेंस इसके फीचर्स के ऊपर डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया, चाहे वो लिस्ट का हो या फिर वो टपल का हो, अदरवाइज वो सेट का हो। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेबिलिटी के ऊपर डिफाइन किया गया, मतलब इसमें चेंजेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो लिस्ट में चेंजेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसके लिए लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। टपल में चेंजेस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसके लिए टपल क्या है, इम्यूटेबल। सेट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, मतलब सेट में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बताएं, सेट इम्यूटेबल होता है। तो म्यूटेबल कब होगा, इम्यूटेबल कब होगा, सेट आपका म्यूटेबल होगा जब हम लोग रेगुलर सेट का यूज करते हैं तब, लेकिन फॉर्जन सेट का यूज करेंगे तो फॉर्जन सेट क्या हो जाएगा, इम्यूटेबल। अभी यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेट मेंशन किया हुआ है, तो सेट आपका म्यूटेबल होता है, लेकिन फॉर्जन सेट इम्यूटेबल होता है। समझ में आ गया, म्यूटेबल मतलब जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, इम्यूटेबल जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब जो आपको फीचर्स दिख रहा है वो कैची के बेसिस पे है, डुप्लीकेट आइटम के बेसिस पे है, क्या डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है डेटा टाइप और नहीं करता है, इसी के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है, टपल भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है, लेकिन सेट क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। अभी बताएं कुछ देर पहले भी एग्जाम्पल के साथ। अब ऑर्डर वाइज की बात कर लेते हैं, तो ऑर्डर वाइज क्या है, मतलब जो आइटम होता है, मल्टीपल आइटम जो स्टोर करके रखता है डेटा टाइप, वो सीक्वेंस मैनर में होता है या नहीं होता है। तो लिस्ट अपना सीक्वेंस मैनर में डेटा टाइप को रखता है, डेटा टाइप मतलब जो डेटा वैल्यू स्टोर करता है उसको। टपल भी सीक्वेंस मैनर में स्टोर करके रखता है, इसके लिए यहाँ पे ऑर्डर मेंशन किया हुआ है, लेकिन सेट क्या करेगा, अनऑर्डर्ड, मतलब सीक्वेंस मैनर में किसी भी डेटा को स्टोर करके नहीं रखेगा, क्योंकि ये आपका अन इंडेक्स्ड होता है, मतलब इंडेक्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब आते हैं सिंटेक्स के ऊपर, या फिर सिंपल सा समझिए कि क्रिएट करने के लिए किसी भी डेटा टाइप को कौन सा सिंबल का यूज करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, टपल को क्रिएट करने के लिए पैरेंथेटिक सिंबल का यूज करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के भी नाम से जानते हैं, और सेट को क्रिएट करने के लिए कैची का यूज करते हैं, कर्ली ब्रेस का। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, क्या लिस्ट इंडेक्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, इसके लिए इसमें इंडेक्स मेंशन किया गया है। टपल इंडेक्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए इसमें इंडेक्स मेंशन किया गया, लेकिन सेट आपका इंडेक्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेट क्या होता है, अन इंडेक्स्ड, सेट इज नॉट डिपेंड अपॉन इंडेक्स वैल्यू। कंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो कौन कौन सा कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं, लिस्ट में हम लोग लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, टपल में टपल कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, और सेट में सेट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं किसी भी डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है आपको, फंक्शन डेट मोस्टली यूज विद सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप के साथ जो फंक्शन यूज होता है वो दिख रहा होगा आपको, ऐड हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, अपडेट, क्लियर, कॉपी, ऑल, एनी, इज डिस जॉइन, या फिर इज सबसेट, इज सुपर सेट, इनुमरेट, ये सब बता देंगे ए टू जेड, ए बी एस फंक्शन तक। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, जब भी बताएंगे फंक्शन वगैरह प्रैक्टिकल करके पूरा क्लियर कर देंगे। 2 वीडियो 3 वीडियो और लगेगा, सेट डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे सेट डेटा टाइप का। थैंक्स टू गिव योर वैल्यूबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह वो करके देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे।